अब आपको यहाँ पे एग्जांपल नंबर थर्ड में प्रूव करना है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज इधर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, वेयर m इज सम इंटीजर। यहाँ पे m क्या है, कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको स्क्वायर करना आ रहा है, तो स्क्वायर के अंदर आपको ये पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पहले ध्यान होने चाहिए, अदरवाइज आपको उसको पहले प्रूव करना पड़ेगा। देखो ये थ्री की फॉर्म में आ रहा है, तो ये थ्री वाला ही आपको वहां पे फॉर्म दिया हुआ था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 3q 3q+1 और 3q+2 के फॉर्म में होता है। तो अगर ये क्वेश्चन क्यू के फॉर्म में आता तो उसको अपन अम के फॉर्म में लिख देते, और यहाँ पर ये अम के फॉर्म में प्रूव करवा रहा है स्क्वेयर को, तो उसको क्यू के फॉर्म में आपको वो फर्स्ट एग्जांपल में आपने किया ही था, तो सेम आप वो लिख दोगे कि वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, कैन बी रिटन फॉर्म ऑफ 3q 3q+1 और 3q+2। या आपने फर्स्ट एग्जाम्पल में सिद्ध किया था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसको आप 3q 3q+1 3q+2 के रूप में लिख सकते हो। तो हिंदी मीडियम वाले ये लाइन लिखेंगे कि हम जानते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। अब आपको इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो तीन है ये, तो तीनों का स्क्वायर करेंगे। पहला तो अपन लेते हैं 3q का, तो 3q का जब आप स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और q है तो ये q का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए, अपने को ये 3 अम के फॉर्म में लाना है, उसके प्लस में क्या आगे 0 है, तो यहाँ पे इसमें भी प्लस में 0 है, तो ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं इस 9 को अगर ऐसे लिख दूँ 3 × 3 और आगे ये क्यू स्केयर है ही, तो 3 × 3 तो 9 हो गया और आगे ये क्यू स्केयर जो था वो एज इट इज है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 3q² है इसकी जगह अगर मैं m लिख दूँ तो ये क्या बन गया 3, और इसकी जगह मैं m लिख दूँ तो ये 3m हो गया है। यानी m की वैल्यू क्या है, वेयर m इज इक्वल टू क्या है 3q², ये m की वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। यानी हर बार यहाँ पे जो m की वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगी तो वो m की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी, क्योंकि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हो तो उस स्क्वायर में हर बार जो आपको 3 का मल्टीपल लेकर आना है तो इसके मल्टीप्लाई वाली संख्या छोटी या बड़ी हर बार चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये संख्या है वो 3 से पूरी पूरी विभाजित है, तो आपको पहली संख्या तो जो 3 है उसका मल्टीपल लेना, जैसे 3 ले सकते हो आप, 6 ले सकते हो आप, 9 ले सकते हो। जैसे मैं संख्या, क्योंकि ये दोनों संख्या क्या है, क्रमागत संख्या होगी, और उन्हीं का क्या है कि स्क्वायर करने पर ये आना चाहिए 3m और 3m+1। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बीच में मैं डाल रहा हूं ये एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप वो दो धनात्मक पूर्णांक है 3 और 4 लेते हो, या आप 5 भी ले सकते हो साथ में, ये 3 धनात्मक पूर्णांक लेते हो तो इनका स्क्वायर करने पर क्या ये 3m 3m+1 की फॉर्म में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं, 3 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होता है, 5 का स्क्वायर करोगे तो ये 25 होता है। तो 9 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 × 3, 16 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3 × 5 15 हो गया प्लस 1 तो ये 16 हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 8 3 × 8 = 24 हो गया, प्लस 1 कितना हो गया 25 हो गया। तो देखिए ये 3 अम की फॉर्म में ही है, यहाँ अम का मान कितना है पहले वाले में, इसमें अम का मान कितना है 3 है, इसमें 3 अम ये कितना है 5 है, इसमें 3 अम कितना है 8 है। तो अम का मान संख्याओं के अकॉर्डिंग आगे चेंज होता जाएगा, तो ये 3 अम, ये 3 अम प्लस 1 और आगे वाला भी 3 अम प्लस 1, तो अपने यहाँ संख्या तो ये 3 ली है और इन तीनों का स्क्वायर अपने को ये 2 वाला ही प्रूव करना है 3m और 3m+1।
वन, यानी पहले वाले को तो अपन 3m के फॉर्म में दे दिया, तो बाकी दोनों को अपने को 3m प्लस 1 की फॉर्म में देना होगा। तो मैंने 3, 4, 5 भी क्यों लिया, क्योंकि पहले वाला 3m आ रहा है, इसमें r की वैल्यू 0 है। आप 4, 5, 6 लेते हो तो ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आप 6, 7, 8 ले सकते हो, आप 9, 10, 11 ले सकते हो, आप 12, 13, 14 ले सकते हो। तो ये इतना जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये आपको क्वेश्चन में ऐड नहीं करना है, ये सिर्फ इतना आपको समझाने के लिए, क्योंकि क्यू आर की फॉर्म में आ रहा है, तो सबसे पहले ये बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये क्यू आर ये क्या चीज़ें चल रही है, इनका स्क्वेयर कर रहे हैं, इनका क्यूब कर रहे हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है कि कोई भी धनात्मक संख्या है उनका स्क्वेयर अगर आप करते हो तो उसको आप 3 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हो। अब आप इसका जो दूसरा है वो 3q प्लस 1 का स्क्वेयर करोगे, तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी लग रही है एलजेब्रा वाली, a प्लस b का स्क्वेयर, तो a का स्क्वेयर प्लस, आप b का स्क्वेयर पहले मत लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वेयर वाले जो कनीस हैं उसमें अपन कॉमन वगैरह लेंगे तो लास्ट में इसमें आ रहा है प्लस 1 वगैरह ये, तो आप क्या लिखिएगा 2ab, ये 2ab हो गया, और प्लस b क्या है 1, तो 1 का स्क्वेयर हो गया। तो 3q यानी 9q स्क्वेयर हो गया ये, प्लस 2 इंटू 3 ये 6q हो गया, और प्लस 1 का स्क्वेयर कितना होता है 1। अब आपको इसको 3m प्लस 1 का फॉर्म लेकर आना है, यानी प्लस 1 तो अपने पास है ही, तो इन दोनों में से अपने को कॉमन लेकर के उसको 3m का फॉर्म बनाना है। तो यहाँ इन दोनों में से 9 और 6 में से कॉमन कौन आता है, 3 कॉमन आता है, क्यू स्क्वेयर और क्यू में से कौन कॉमन आता है, क्यू, 3q कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये 3q बच गया, 1q कॉमन आ गया तो 1 बच गया, प्लस ये क्यू कॉमन आ गया, 6 को डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स हो गया, और आगे प्लस क्या है 1 है। तो अब 3 के साथ ये जो इतना आया है 3 का जो मल्टीपल है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3m और आगे प्लस 1, तो इसको अपन ने किस फॉर्म में लिख दिया, 3m प्लस 1, और यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो क्या है, m की वैल्यू है क्यू 3q प्लस 2, ये क्या है m की वैल्यू है। अब अपन नेक्स्ट जो थर्ड था वो लेते हैं, वो 3q प्लस 2 का स्क्वेयर है, तो यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वेयर प्लस 2ab, बी खिंच गया यहां पे कौन है आपकी बार 2 प्लस बी का स्क्वेयर, तो 2 का स्क्वेयर। 3q का स्क्वेयर क्या होता है, 9q स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2, तो ये 12q हो गया, प्लस 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4। अब देखिए अपने को 4 नहीं लेकर आना है लास्ट में, अपने को तो उन दोनों से 1 ही लेकर आना है। तो एग्जाम में अगर 4 आए तब तो ये इन दोनों में से ही कॉमन लेना है आपको, सिर्फ इन दोनों में से कॉमन लेना है आपको। अब एग्जाम में आ रहा है 3m प्लस 1, इसका मतलब यहाँ पे इस 4 को भी आपको देखो, इन दोनों में से तो 3 कॉमन आ रहा है, इस 4 से नहीं आ रहा है कॉमन, तो इन तीनों में से वो अपने को कॉमन निकालना है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये 9q स्क्वेयर प्लस ये 12q, और इस 4 को मैं लिख दूँ 3 प्लस 1, क्या ये लिखना सही होगा, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 प्लस 1 होता है, और 3 क्यों लिखा, ताकि इन तीनों में से अपने पास कॉमन आ जाए। तो यहाँ इन तीनों से देखो अब की बार क्यू कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि क्यू इन दोनों में तो है, लास्ट वाला भी नहीं है, तो इससे ओनली क्या कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये 3q स्क्वेयर प्लस 12 में ये 4q प्लस ये 3 है, तो इसमें 1 टाइम्स हो गया, और आगे ये प्लस का क्या है 1। अब 3 के जो मल्टीप्लाई में आया ये इतना, ये क्या है m है ये, तो ये 3m प्लस ये लास्ट वाला कौन है ये 1, तो अपन ने इसको 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया है, और यहां पे जो m की वैल्यू वो क्या है, ये 3q स्क्वेयर प्लस ये 4q प्लस 1, ये इतनी किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है। तो आपने यहां पे जो रिजल्ट पूछा था वो तीनों ही प्रूव कर दिया है,
ये यहाँ पे आपने 3m प्रूव कर दिया है, ये भी 3m प्लस 1 और ये लास्ट वाला भी 3m प्लस 1। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वेयर है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या, तो आपने इस फॉर्म में लिख दिया। ये लास्ट में आप देयरफॉर या सॉल्व का रिजल्ट लिख दीजिएगा, देयरफॉर द स्क्वेयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इफ इज फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। अतः अपन किसी भी धनात्मक पूर्णांक है उसके स्क्वेयर को 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तीन एग्जांपल अगर आपको अच्छी तरह से आते हैं तो एक्सरसाइज वाले जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है पॉजिटिव इंटीजर है उसको आप 3q, 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिख सकते हो, और कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक है उसको 2q के रूप में लिख सकते हो, और धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको आप 2q+1 के रूप में लिख सकते हो। तो आज की क्लास में अपन इतना ही लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अपन कल की क्लास में लेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो रिलेटिव में जो भी 10th क्लास में 8th क्लास में या 9th क्लास में है हिंदी या इंग्लिश मीडियम में, तो उनसे आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और वीडियोज़ को आप लाइक कीजिए और हर वीडियो पर आप कमेंट कीजिए ताकि आपको किस तरह वीडियो लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो हमें पता लगे, और अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है तो हम थोड़ा पढ़ाने की जो टेक्निक है उसमें और सुधार करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आप इस लॉकडाउन के अंदर घर में बैठकर आसानी से आप पढ़ सको। तो